हम ह्यूमन बीइंग जो है ना, मनुष्य प्राणी, ये एक बीमारी के शिकार है। और कौन सी बीमारी है ये? ये है कंपैरिजन की। हम कंपेयर करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं लोगों से, अपने बराबरी के लोगों से, अपने छोटे लोगों से, अपने बड़े लोगों से, और फिर वो प्रॉब्लमेटिक होते रहता है। हमको एक्चुअली चाहिए कि मैंने कुछ तो भी ऐसा बनना चाहिए, और हम क्या है और क्या बनना चाहते हैं, तो फिर क्या बनना चाहते हैं वो मेरे दिमाग में है, वैसा नहीं, वो जो है सामने वाला व्यक्ति वो मेरे पास में होना चाहिए। मतलब मेरे पास में जो है वो उसके पास में नहीं होना चाहिए, मगर उसके पास में जो है वो मेरे पास में होना चाहिए। ऐसी कंपैरिजन हम करते रहते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे कभी आप सुखी नहीं हो सकते जब आप कंपैरिजन करते हैं तो, क्योंकि ये 750 करोड़ के आबादी के दुनिया में आप एक में वो ऐसे इंसान है कि जिसको आपको कोई कंपटीशन है नहीं, आपके जैसा दुनिया में है नहीं कोई। एट द मोस्ट ऐसा बोला जाता है कि आपके जैसे दिखने वाले डिक्टो ये दुनिया में 750 करोड़ में से 6 लोग होंगे। मालूम नहीं ऐसा है कि नहीं है, मगर ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। तो आपको कंपटीशन है नहीं। हर व्यक्ति को अपना अपना दिमाग है, हर व्यक्ति को अपना अपना बॉडी है, हर व्यक्ति को कद दिया है, रंग दिया है, जो भी है, तो फिर आप उसके जैसे हो ही सकते नहीं ना, फिर कंपेयर क्यों करना है? एकदम ही अलग है ना व्यक्ति वो। कंपैरिजन कैसा होता है कि दोनों एक साथ है, एक ही प्लेटफॉर्म पे है, एक साथ है, एक पेज पे है, एकदम डिक्टो डुप्लीकेट सरीका है, तो फिर कंपैरिजन होगा। देखो आम का और संतरे का कंपैरिजन कैसे होगा? आम आम का हो सकता है। तो फिर किसी से भी कंपेयर मत करो, क्योंकि हमको होना है उसके जैसा, हमको होना है उसके जैसा, हमको चाहिए उसके जैसी वाइफ। तो ये कंपैरिजन करके कुछ होता नहीं है। सो नेवर नेवर एवर कंपेयर। मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद क्यों? ये हरदम का सवाल लोगों के दिमाग में रहता है कि उसके पास में ज़्यादा क्यों है। देखो आपको कंपेयर ही करना है तो आप अपने परफॉर्मेंस से करो, अपने खुद से करो, वो आपको अलग लेवल पे लेके जाएगा। हो सकता है कि आप आपका एक 10 साल का गोल तैयार करो कि मैं 10 साल के बाद मैं क्या बनने वाला हूँ, मैं कैसा दिखूँगा, कैसा होऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटस क्या होऊंगा, कौन से लोग मेरे आसपास में रहेंगे, मेरा बिजनेस कैसे होऊंगा, किस तरह से मेरा बर्ताव होऊंगा। और वो एक बार आप एक चित्र तैयार करते हैं, एक इमेजिनेशन, एक विजुअलाइजेशन तैयार करते हैं, और फिर अभी मैं क्या हूँ वो आपको मालूम है, तो फिर हमको वहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए मैंने क्या करना चाहिए, और वो करो, और वो संभव है। देखो ना, आप आज जो है वो 10 साल पहले थे क्या? नहीं थे ना। 10 साल पहले आपने सोचा भी नहीं था कि आप आज जो है वैसे होने वाले हैं करके, सोचा भी नहीं होगा। अभी आप दिखना भी अलग है, आपकी बॉडी भी अलग है, आपकी सोच अलग है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, आपके आसपास के लोग अलग है। मतलब 10 साल पहले आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज ये है। 10 साल बाद का सोचो कि आप कैसा बनना चाहते हैं, और वो यदि बनना चाहते हैं तो वो आप अपना परफॉर्मेंस वो हिसाब से रखो, और वो मेजर भी करो कि भाई मुझे ये बनने का है, तो उसको मैं मेजरमेंट कैसा दूँ, उसको नापू कैसा, उसको तोलूँ कैसा, वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ तक मैं पहुँचना कि नहीं पहुँच रहा हूँ, उसका कुछ भी मेजरमेंट रखो। क्योंकि आपका परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होता है तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं ना। आपका परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होगा ही नहीं, मालूम ही नहीं कि आपका मेजरमेंट क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, आपका परफॉर्मेंस कितना हो रहा है, तो फिर आप मेजर नहीं कर सकोगे, तो फिर आगे बढ़ सकोगे नहीं। तो यदि आपको ग्रोथ करना है तो आपको परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और वो करते हैं आप तो डेफिनेटली आपको समझेगा कि अभी मैं इतना परफॉर्म करता हूँ तो इतना रिजल्ट मिलता है, इतना परफॉर्म करता हूँ इतना रिजल्ट मिलता है। क्या परफॉर्मेंस मैं कौन सा करूँ अभी, कौन सा परफॉर्मेंस करूँ कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्या परफॉर्मेंस नहीं करूँ कि वो बेकार रिजल्ट है, वो मैं ख़त्म कर डालूँ। तो इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं परफॉर्मेंस का, गोल सामने रखते हैं 10 साल बाद, उसको बोलते हैं बिग हैरी ऑडेशियस गोल, बी हैक। आपका माउंट एवरेस्ट, तो आपका माउंट एवरेस्ट क्या है, आपका बी हैक क्या है, वो आप तैयार करो, और वो हिसाब से उसका मेजरमेंट कैसा होगा वो भी तैयार करो, और आप जो प्लानिंग करो तो डेफिनेटली, और उसमें देखना है कि रोज मैं कैसा उसमें बढ़ोतरी कर सकता हूँ, डेली मैं वो गोल के तरफ कैसा जा सकता हूँ, डेली मेरे में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, डेली मैं कौन सी एक्शन ले सकता हूँ कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। ऐसा बोलते जाते हैं कि भाई काइज़न टेक्निक जो है कि डेली एंड कॉन्स्टेंट नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, कॉन्स्टेंट डेली नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट,
मतलब डेली इंप्रूव करना है आपको, डेली कुछ ना कुछ। आज का परफॉर्मेंस आपके पास के परफॉर्मेंस से कुछ ना कुछ अलग रहेगा, अच्छा रहेगा, वही आप करेंगे तो डेफिनेटली साल दो साल में आप बहुत ऊंचे लेवल पर चले जाएंगे। तो नेवर कंपेयर, फिक्स्ड आपके गोल करना है कि कहाँ आप पहुँचना है, और वो मेजरमेंट करते हैं तो आपका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।